आज मैं बना रही हूँ मशरूम और आलू की सब्ज़ी। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 200 ग्राम मशरूम और इसको मैंने अच्छे से धो के और सुखा लिया है और अब मैं इनको कट कर लूँगी। तो ये देखिए, आप इसको दो तरीके से कट कर सकते हैं, या तो आप इस तरह से इसकी ये डंडी हटा लीजिए और इसे बीच में से कट कर लीजिए, या फिर आप इसे बीच में से सीधा पूरा ही कट कर लीजिए। तो मैं इस तरीके से काट रही हूँ सारे मशरूम को। ये देखिए, मैंने काट लिया सारे मशरूम अच्छे तरीके से। और इसके मसाले के लिए मैं ले रही हूँ 2 टमाटर, लहसुन, अदरक, 2 हरी मिर्ची और 2 प्याज। तो सबसे पहले बर्तन में मैं डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल और रिफाइंड ऑयल। मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। और इसमें एक आलू मैं छील के छोटे छोटे पीस में, देखिए मैंने कट करके, और इसे मैं थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लूँगी, हल्का सा। इसे हमें पकाना नहीं है, बस इसको हल्का सा मैं भून लूँगी ताकि दोनों तरफ से ही हल्का हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। उस स्टेज तक मैं इसे भूनूँगी। तो देखिए, आलू हमारे अच्छे से शैलो फ्राई हो गए हैं, इनको मैं निकाल लूँगी। और इसी ऑयल में मैं मशरूम को भी थोड़ा सा शैलो फ्राई करूँगी। इससे जब हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। तो ये देखिए, आलू हमारे भुन गए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मशरूम। तो ये मैंने 1 पैकेट मशरूम लिए हैं और इसे भी मैं अच्छे से भून लूँगी ताकि ये अपना थोड़ा सा कलर चेंज कर लें। उस स्टेज तक हम इसे भूनेंगे, दोनों तरफ से हल्के हल्के से लाइट ब्राउन कलर के हो जाएंगे, तब तक हम इसे भून लेंगे। तो मैं इसे हाई फ्लेम पे ही भून रही हूँ अच्छे से, दोनों तरफ से अलट पलट के। देखिए, इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। इसको भी हम निकाल लेंगे पैन में से। और इसके बाद अब हम इसकी ग्रेवी इसी बर्तन में बनाऊंगी। तो देखिए, जितना ऑयल मैंने डाला था सारा ही ख़त्म हो गया, तो मैं थोड़ा सा ऑयल इसमें और डालूंगी मसाला भुनने के लिए। तो मैं ऑयल डाल रही हूँ मसाले के लिए। आप चाहें तो आप आलू और मशरूम को डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं इसे घर में खाने के लिए बना रही हूँ, तो मैं इसे शैलो फ्राई करके बनाती हूँ। अब सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ हींग 1/4 चम्मच, और साथ में मैंने 1/2 चम्मच इसमें डाला है जीरा। और इसे थोड़ा सा भून के, और अब इसमें जो मैंने 2 प्याज ली थी इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, और इसे भी मैं तेल में अच्छे से भून लूँगी। तो आप चाहे तो बारीक कटी हुई प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे कद्दूकस करके बनाती हूँ, इससे बहुत ही अच्छी ग्रेवी हमारी बनके तैयार होती है। तो ये देखिए, प्याज हमारी भुन गई है, इसने अपना कलर चेंज कर लिया है और ऑयल भी छोड़ दिया है। अच्छे से ही भुन गई है प्याज हमारी, आपने देख लिया होगा, मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। अब इसके बाद मैं इसमें डालूंगी मसाले। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, और 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ देगी मिर्च पाउडर। 1 से 1.5 चम्मच आप डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच मैं ले रही हूँ हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मैंने लिया है गरम मसाला, और नमक स्वाद के अनुसार, और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इन सबको अच्छे से भून लूँगी। क्योंकि डायरेक्ट प्याज में मैंने बिना भी टमाटर डाले ही मसाले डाल दिए थे, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा पानी डाल के इन मसालों के साथ प्याज को अच्छे से भून लूँगी ताकि ये बिल्कुल भी जले नहीं। और मसाले को मैं 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनूँगी। साथ में अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच किचन किंग मसाला, आप सब्ज़ी मसाला भी डाल सकते हैं। और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। और इसके बाद अब मैं डाल रही हूँ इसमें जो मैंने टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन रखे थे, उन सबको मैंने एक साथ ग्राइंडर में पीस लिया। और इसका जो पेस्ट है वो मैं इसमें डाल के अच्छे से इस मसाले को भूनूंगी जब तक ये अच्छे से तेल नहीं छोड़ देता।
तो ये देखिए आपको मसाले ने हमारा तेल छोड़ दिया है, काफ़ी हद तक ये भुन चुका है। तो अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और इसी स्टेज पे मैं इसमें जो आलू और जो मैंने ये मशरूम शैलो फ्राई करके रखे थे वो मैं इसमें मसाले के साथ डाल के अच्छे से भून लूँगी। अब इनको भी हम मसाले के साथ अच्छे से 5 से 10 मिनट के लिए भूनूंगी ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो हमारे मशरूम और आलू में अच्छे से चला जाए। देखिए अब मैंने इसे ढक दिया है, 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसे लो फ्लेम पे ढक के अच्छे से पकाऊंगी। ये देखिए आपको दिख रहा होगा मसाले ने सारा ऑयल छोड़ दिया है और ये हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया आपको दिख रहा होगा। अब मैं एक बार इसे अच्छे से चला के और अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो मैं इसको चावल के साथ खाने वाली हूँ तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा इसको तरी वाला बनाऊँगी, आप चाहें तो इसे सूखा भी बना सकते हैं। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कप पानी। जब तक ये पकेगा तो लास्ट में बिल्कुल लुटपुट ग्रेवी वाला बनके तैयार होगा, बहुत ज़्यादा तरी वाला नहीं होगा और बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं होगा। तो मैं इसमें 2 कप पानी ऐड करके और इसे लो फ्लेम पर पकाऊँगी। तो ये देखिए मैंने 2 कप पानी इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से हिला के और अब मैं इसे ढक के 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाऊंगी। तो ये जैसे ही इसमें बॉयल आया मैंने इसमें ढक्कन लगा दिया है और गैस का फ्लेम मैंने कर दिया लो 20 से 25 मिनट के लिए। मैंने इसे अच्छे से पका दिया है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा हमारा सब्जी पूरी तरह से पक गई है। एक बार मैं आलू चेक करके देख लूँगी कि ये पका है या नहीं पका है अच्छे से, और हमारी ग्रेवी भी काफ़ी थिक हो गई है, अभी ठंडे होने के बाद थोड़ी और थिक हो जाएगी। तो ये देखिए मैं आलू को दबा के देख रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से पक गया है। अब एंड में मैं इसमें डाल रही हूँ रोस्टेड कसूरी मेथी 1/2 चम्मच और इसे मैं मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो फ्रेश धनिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ये देखिए हमारी कितनी अच्छी मटर मशरूम और आलू की सब्ज़ी बनके तैयार है, और आप चाहें तो इसमें मटर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसे खाने वाली हूँ नमकीन चावल के साथ। तो अगर आपको मेरी ये मशरूम और आलू की सब्ज़ी की रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे जो भी मैं नई वीडियो डालूं वो आप देख पाएँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं।